यूपी ना उमर गौतम धर्म परिवर्तन केस ना तार गुजरात सुधी जोड़ायेला छे। गुजरात थी एक आरोपी नी धरपकड़ आ मामले थई छे। गुजरात यूपी एटीएस नुं संयुक्त ऑपरेशन जेमां सलाउद्दीन नामना आरोपी नी धरपकड़ करवामां आवी छे। सलाउद्दीन पर गैंग माटे फंडिंग मोकलवानो आरोप लाग्यो छे। आरोपी सलाउद्दीन ने मिर्जापुर कोर्ट में रजू करवामां आव्यो छे। हाल तो यूपी उमर गौतम धर्म परिवर्तन केस जे सामे आव्यो हतो जेना पड़घा देशभर में संभळाव्या हता त्यारे तेनु हवे गुजरात कनेक्शन पण सामे आव्यो छे। जी हाँ, गुजरात माथी एक आरोपी झड़पी लेवामां आव्यो छे। आरोपी ने हाल कोर्ट में रजू करवामां आव्यो छे। यूपी एटीएस अने गुजरात एटीएस द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन हाथ धरवामां आव्यु हतु जेमां एक आरोपी की धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। साथे ज अन्य आरोपी की पण शोधखोळ चलावामां आवी रही छे। तो गुजरात एटीएसे सौथी मोटी कार्यवाही हाथ धरी छे। आ मोटी कार्यवाही में जे एक आरोपी झड़पाई चुक्यो छे। धर्म परिवर्तन मामले सलाउद्दीन की धरपकड़ करी लेवामां आवी छे। सलाउद्दीन आ गैंग पाछळ फंडिंग नुं काम करतो हतो। अमदावाद थी ते आ कांड माटे रूपिया मोकलतो होवानुं सामे आव्युं छे। हाल मिर्जापुर कोर्ट में आरोपी सलाउद्दीन ने रजू करवामां आव्यो छे। एटले के जे धर्म परिवर्तन कांडना देशभर में पड़घा संभळाया हता तेनो एक आरोपी गुजरात में पकड़ाया था। गुजरात साथे पण तेना तार जोड़ायेला होवानुं सामे आव्यो छे। उमर गौतम 2007-06 में फिलिप ने मळ्यो हतो। बिलाल फिलिप भारत ना भाकेड़ू जाकिर नाइक नो सहयोगी छे। बिलाल साथे गौतम इस्लामिक एजुकेशन माटे एमओयू पण कर्या छे। उमर गौतम पीएफआई जमाते इस्लामी हिंद साथे जोड़ायेलो छे। गौतम ने हवाला द्वारा विदेशों थी फंडिंग मळतुं होवानुं पण सामे आव्युं हतुं। गल्फ रूट थी उमर सुधी पैसा मोकलवामां आवता हता एटले फंडिंग मोटा पाये करवामां आवी रह्युं हतुं। पैसा कतार, दुबई, कुवैत अने तुर्की द्वारा पहोंचाड़वामां आवता। गौतम ना इस्लामिक दावा सेंटर ना तार कतार सुधी जोड़ायेला होवानुं पण सामे आव्युं छे। तो उमर गौतम मूळ यूपी ना फतेहपुर ना पंथुआ नो रहेवासी छे। फतेहपुर ना क्षत्रिय परिवार साथे संबंध धरावे छे। उमर उर्फे श्याम प्रतापसिंह छ भाईओ छे। उमरे लग्न बाद पोते ज धर्म परिवर्तन करी लीधुं हतुं। पत्नी राजेश्वरी ने पण धर्म परिवर्तन करावी तेणे रजिया बनावी हती। धर्म परिवर्तन करता उमर ने परिवारे बेदखल करी दीधो हतो। धरपकड़ बाद उमर गौतम नुं संदिग्ध ट्विटर अकाउंट पण सामे आव्युं छे। गौतमना इस्लामिक सेंटर ने पाकिस्तान थी फंडिंग मळतुं हतुं। तो यूपी एटीएस ने डासना देवी मंदिर थी आ घटनाना तार मळ्या हता। अन्य समाचारों, तो अमदावाद शिवरंजनी हिट एंड रन केस में आरोपी परवशाह की मुश्किल वधे शके। कोर्टे आरोपी सामे 304 की कलम उमेरवा मंजूरी आपी दीधी छे। आरोपी परवशाह आवतीकाले बपोरे 1 वाग्या सुधी रिमांड पर मोकलायो छे। एफआईआर में 304 एड करवा माटे रिपोर्ट आपेलो। ए रिपोर्टनू अत्यारे सांजे डिफेन्स लॉयरे आर्ग्यू कर्या अने सरकार पक्षे मैं आर्ग्यू कर्या अने बन्ने ना आर्ग्युमेंट सांभळ्या बाद नामदार कोर्ट ने एवुं लाग्युं के भाई 304 लागू पड़े छे आ केसनी अंदर, एटले 304 एक्सेप्ट करी छे अने केप विथ एफआईआर नो ऑर्डर कर्यो छे। अने आजे एना साथे पछी रिमांड अरजी हती, 3 दिवसना रिमांड मांगेला अने रिमांड अरजीना आर्ग्युमेंटना अंते कोर्टे काल 1 वाग्या सुधीना रिमांड आप्या छे। अमदावाद रथयात्रा अंगे मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजाए आप्युं छे निवेदन। न्यूज 18 साथे प्रदीपसिंहे सीधी वात करी। तेओए जणाव्युं के रथयात्रा मामले हाल कोई निर्णय नथी लेवायो। रथयात्रा मुद्दे कोई चर्चा पण हजु नथी थई। रथयात्रा 4 दिवस अगाउ आ बैठक करी वातचीत थशे। ओछा समय माटे यात्रा निकळे तेवी अफवाने रद्दो आप्यो छे गृह राज्यमंत्री द्वारा। तो रथयात्रा एनी अफवाओ सामे आवी रही हती के रथयात्रा काढवानी मंजूरी मळी गई छे अने ओछा लोको साथे रथयात्रा काढी शकाशे, परंतु आ तमाम बाबतो मात्र ने मात्र अफवा साबित थई छे। न्यूज 18 गुजराती साथे खुद गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजाए वातचीत करीने तेओए जणाव्युं के गृह रथयात्रा मामले आ बैठक में कोई निर्णय लेवायो नथी के ना तो कोई चर्चा थई छे। अमदावाद में वायरल वीडियो अंगे खुलासो थयो। अमदावाद क्राइम ब्रांच नो एक वीडियो होवानी पुष्टि थई छे। वायरल वीडियो पाटण नो होवानुं सामे आव्युं छे।
अमदावाद क्राइम ब्रांच आरोपी वाहन चोर होवानो पोलीसे दावो कर्यो छे। बातमीना आधारे आरोपी पर कार्यवाही कराई थी, जो कि आरोपी पास थी हथियार नहोता मळ्या। कार्यवाही में तेमनी पास थी मात्र लाइटर मळ्यु होवानु सामे आव्यु छे। तपास में आरोपी काकाना घरे थी हथियार मळी आव्यो हतो। हाल आरोपी की धरपकड़ कराई गई छे। न्यूज 18 गुजराती अहेवाल पड़ो पड़घो। धारासभ्य पीयूष देसाई जिला कलेक्टर ने लख्य पत्र। दाखला माटे सरकारी कचेरी में जामी हती मोटी भीड़। नवसारी में सरकारी कचेरी में कोविड 19 नियमों धजागरा उड़ाया था। न्यूज 18 आंगे अहेवाल प्रसारित कर्यो हतो, त्यारे नवसारी धारासभ्य पीयूष देसाई अहेवाल नोंध लीधी। नवसारी गणदेवी मामलतदार कचेरी में लांबी कतारों जोवा मळी हती, त्यारे धारासभ्य कलेक्टर ने पत्र लखी आंगे योग्य व्यवस्था करवा कह्युं। आणंद में लोगों साथे सरकारी कर्मचारी पण मास्क नहीं पहेरता, आवा अनेक किस्साओ आणंद में अवारनवार सामे आव्या छे। सोजित्रा मामलतदार कचेरी होय के पछी तालुका पंचायत कचेरी, तमाम अधिकारी मास्क वगर जोवा मळे छे। परंतु सरकारनी जे कोरोनानी महामारी अंगेना गाइडलाइनना जे नियमो छे एना एज चुस्त छे। मारी पाछळ आप दृश्यमां जोई शको छो के आ सोजित्रा मामलतदार कचेरी छे, जेमा न्यूज 18 गुजराती जारे चेक कर्यु त्यारे मोटा भागना मामलतदार कचेरीनी अंदरना कर्मचारीओ मास्क वगरना हता। एनी एज स्थिति तालुका पंचायत सोजित्रामां पण हती के मोटा भागना तालुका पंचायत सोजित्राना कर्मचारीओ, खुद तालुका विकास अधिकारी सोजित्रा पण मास्क वगर हता। मारी पाछळ आप दृश्यमां जोई शको छो के दस्तावेजोनी नकल मेळववा माटे पण अहींया बारीओमां पद्धतिसरनी लाइनो लागी छे। मुख्य मुद्दो ए छे के ज्यारे सोजित्रा पोलीस हाईवे पर तारापुर सोजित्रा हाईवे पर वाहन चालकों ने मास्क नहीं पहेरवा अंगे नाणाकीय दंडनी रकम वसूल करी रही छे, त्यारे आ बन्ने सरकारी कचेरीओ तालुका पंचायत सोजित्रानी कचेरी अने मामलतदार कचेरी सोजित्रा त्यां मास्क पहेरवानो अमलीकरण कोण करावशे। जनक जागीरदार, न्यूज 18 गुजराती, सोजित्रा। अनाज कौभाड़ना तार साबरकांठा वडाली सुधी पहुंचा छे। राज्यव्यापी अनाज कौभाड़ में थयो छे मोटो खुलासो। वडाली राशन दुकान संचालकों की संडोवणी सामे आवी छे। संचालक मेमण इरफान सुलेमानु नाम बहार आव्यु छे, तो नाम बहार आवता संचालक दुकान ने ताळू मारी फरार थयो। वडाली मामलतदारे स्थल तपास करी पंचनामू कर्यु हतु। कार्डधारकों माटे तात्कालिक बीजे व्यवस्था कराई। अमूल दूध भाव में लीटरे 2 रूपियानो वधारो थयो छे। तमाम ब्रांड्स में प्रति लीटरे 2 रूपियानो वधारो थयो छे। आवतीकालथी नवो भाव अमली बनशे। अमूल शक्ति अर्धा लीटरना 26 रूपया थशे, अमूल शक्ति लीटरना 50 रूपया थशे, अमूल गोल्डना अर्धा लीटरना 29 रूपया थशे, अमूल गोल्डना लीटरना 58 रूपया थशे, तो टी स्पेशलना आवतीकालथी 53 रूपया थशे, अमूल ताजाना अर्धा लीटरना 23 रूपया थशे। तो अमूले दूधना भाव में 2 रूपियानो वधारो कर्यो छे, त्यारे राजकोटनी खानगी डेरीओने पण तेनी पड़ी शके छे फरज। दूधना भाव में वधारो करवानी फरज पड़शे। राजकोट चेम्बर ऑफ कॉमर्सनुं निवेदन। 2 दिवसमां भाव वधारा अंगे कोई निर्णय लेवाशे। पेट्रोल अने डीजल तेमज दाळना भाव वधता दूधनी पड़तर मोंघी बनी छे, जेना कारणे तेनी सीधी असर दूधना भाव पर जोवा मळी शके। सुमूल डेरीना दूध में भाव वधारा अंगे सूरत अने तापी जिला में विरोध वध्यो छे। पेट्रोल डीजल भाव में वधारो थता सुमूल डेरीए दूधना भाव में पण वधारो कर्यो हतो। दूध में भाव वधारा ने कारणे मध्यम वर्गना खिस्सा पर माठी असर थता भाव वधारा विरुद्ध विरोधनुं रणतोड उभुं थयो छे। सामे दूधना भाव तो वध्या छे, परंतु ते प्रमाणे पशुपालकोने अपाता भाव वधारवामां नथी आव्या, जेने लईने पशुपालकोमां पण रोष छे। जो भाव वधारा पर टूंक समय में योग्य निर्णय नहीं लेवाय तो लोक आंदोलननी पण चीमकी उच्चारवामां आवी छे। हाल में सुमूल डेरी द्वारा जे सूरत अने तापी जिला में जे दूध में भाव वधारो करवामां आव्यो छे, अने साथे साथे पशुपालकों ने पण जो ग्राहकों पासे थी वधारे लेवामां आवतो होय तो पशुपालकों ने केम भाव वधारो नहीं, जो ए भाव वधारो लेवामां आवतो होय तो एमने पण भाव वधारो मळवो जोईए। जे दूधनी अंदर भाव वधारो करवामां आवेलो छे एना पाछो खेंचवा माटे सुमूल डेरीना चेरमेन श्री मानसिंहभाई पटेलने रूबरू मळी अने आवेदनपत्र आपवामां आवेल छे अने रजूआत करवामां आवेल छे
કે આ ફક્ત જે ભાવ વધારો છે એ સુરત શહેર અને તાપી જિલ્લાની જનતા માટે જ કેમ? રાધનપુર નર્મદા વિભાગની કચેરી ખાતે ખેડૂતોએ નોંધાવ્યો વિરોધ. રામધૂન બોલાવી ખેડૂતોએ અનોખો વિરોધ કર્યો. નજીપુરા ગામને જોડતી કેનાલ રિપેર કરવાની માંગને લઈને વિરોધ કરાયો. 3 વર્ષથી પરેશાન ખેડૂતોએ નર્મદા કચેરીમાં હોબાળો મચાવ્યો. માંગ નહીં સ્વીકારવામાં આવે તો ઉગ્ર વિરોધની ચીમકી ઉચ્ચારી. તો ભાવનગરમાં ચોમાસામાં ફરી રખડતા ઢોરનો ત્રાસ સામે આવ્યો. શહેરમાં રખડતા ઢોરથી વાહન ચાલકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે. રોડ પર અણીંગો જમાવી બેસતા રખડતા ઢોરને પગલે અકસ્માતનો ભય રહે છે. દર વર્ષે ચોમાસામાં વરસાદ શરૂ થતાં જ ભાવનગર શહેરના રોડ પર રખડતા ઢોરનો ત્રાસ વધી જતો હોય છે. આ મામલે મનપાના વિરોધ પક્ષના નેતાએ શાસક પક્ષ પર આક્ષેપ કર્યો છે કે ચોમાસા દરમિયાન જ ઢોર ડબ્બા ગાયબ થઈ જાય છે. આ તરફ મનપાના શાસક પક્ષ આક્ષેપો પર યોગ્ય કાર્યવાહીનું આશ્વાસન આપી રહ્યા છે. ભાવનગર મહાનગરની અંદર ચોમાસાની અંદર રોડ ઉપર પશુઓ આવી જતા હોય છે, રખડતા ઢોર અને માલિકી વગરના હોય એ ઢોરો સતત રોડ ઉપર જમાવડો કરતા હોય છે. તો અમે દરેક ચોમાસામાં સ્પેશિયલ કમ્પ્લેન કરી અને પશુવાળો અમે જે બનાવેલો છે રિંગ રોડ ઉપર ત્યાં પૂરવામાં આવશે અને યોગ્ય ગૌશાળાઓમાં તેમનો નિકાલ પણ કરવામાં આવશે, જેથી ભાવનગર શહેરની જનતાને આ પશુઓના ત્રાસમાંથી સંપૂર્ણ મુક્તિ મળે. ઢોરના ડબ્બાઓ વર્ષો પહેલાં કાર્ય થતા એ પણ બંધ કરવામાં આવ્યા છે. કારણ તો આપ પણ પૂછી શકો શાસક પક્ષોને કે ભાઈ ઢોરના ડબ્બા હતા જ, આપણે રખડતા ઢોરને આપણે પૂરી શકતા હતા, એ કાર્યવાહી જ બંધ કરવામાં આવી છે. માણસોની જે ભરતી કરવી જોઈએ એ ભરતી પણ કરી નથી.